चार केक हो चुके, चार के चार अब तू ही खाएगी। इसका बर्थडे और ये बच्चे बुढ़े मेरे हाण दे कलोली ने, बच्चे बुढ़े मेरे हाण दे कलोली ने, बेले बन। इतना दूर से राम के पास आया हूँ और राम तो भी रेडी नहीं है। राम क्यों रेडी नहीं है? हाँ तो आंटी जी की सिलाई की मशीन आ रही है। मैं इतना दूर से आया था और राम आज आया है। बर्थडे मेरा कल था और मतलब ऐसे बर्थडे तो मेरा चलता ही रहता है 2 महीने तक। तो हाँ ये देख इतनी अच्छी चीज़ है, वैभव ने मुझे गिफ्ट की है भगवद गीता। थैंक्स वैभव। 360 मुझे दे। थैंक यू भैया। जो हिंदी में समझ में नहीं आती और तू इसको इंग्लिश में ले रहा है। फिर चोरी करने की बात कर रहा वैभव, उसको ये शोरूम दिख रहा है, शोरूम के ये गोल्डन रिट्रीवर चाहिए वैभव को। बोल रहा है कि ये चोरी करूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ इसको ये गेट खोल के आ जाता इधर है। इधर से हमने बुलेट ली है तो इधर से ये भी ले लेंगे। जब 1.5 लाख का ये ले सकता है तो वो क्यों नहीं ले सकता है? गाइस हम अभी अभी वैभव, अरे वैभव तेरी काम करता है ये वाला सिस्टम, ये ऊपर नीचे करना है, साइड में करना है, ये मेरे इसके फोन में चलता ही नहीं है फीचर। कौन सा ऊपर नीचे साइड? अरे लाइक ये फ्लिप फ्लिप हो जाता ना कैमरा यहाँ से। अच्छा यूं करके और यूं करके। हाँ अभी हम खोका हैं और ये कौन आया है? राम भैया भी हैं इधर, बहुत टाइम बाद। अब गोला देख रहा हूँ। तो की गर्लफ्रेंड है वो? फिर ऐसी गर्लफ्रेंड रखने का भी क्या मतलब जो बहुत दूर रहे? चले जाएंगे पास। अरे गाइस ये केक भी मैं काट रहा हूँ और कैंडल्स भी मैं ही जला रहा हूँ। ये दोनों पता नहीं कौन सी लड़कियों की बातें कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सब्र होता तो ये थोड़ा आने दे छाछ वाच, इसके लिए बर्थडे कोई गाएगा नहीं, ये भी इसी को गाना पड़ेगा। वो देखो पेड़ कहानी करने, ये हमेशा कुछ भी करने आता ना, वो नोवेल्स करने गया। नोवेल्स पे कॉमिक पढ़ रहे हैं। कॉमिक नहीं है, नोवेल्स पढ़ेगा। एक सेकंड, वो वहाँ पे कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। हमने अभी अभी भगवत गीता खरीदी है। अरे वो कहाँ रखा है? डिक्की में रखे तो आया हूँ। अच्छा अभी अभी भगवत गीता खरीदी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ठीक है? इसका मतलब क्या? जब जब धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा आना पड़ता है तब देवता जन्मते हैं। हाँ। मतलब मैं ही हूँ वो देवता। मैं हूँ वो, मैंने लिए भगवत गीता। अरे तो देवता तो मैं हूँ ना। मेरे 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 बैग के पीछे अगर बताऊँ तो मेरे बर्थमार्क है ना, थोड़ा ओम जैसा दिखता है। वो मैंने ही बनाया। मेरे हाथ पे थोड़ा ओम लिखा हुआ था, मैंने बचपन में यूं मारा था। ऐसा नीचे आती है ना, गंदा दोस्त है मेरा। क्या कर रहा है तू? क्या पढ़ने? ये चाचा चौधरी रहे हैं और ये ऐसी है। क्या करने वाला है? मैं उसको बीप करता हूँ वापस। चाचा चौधरी साबू की बैटिंग। साबू क्या क्या? अबे यार ये क्या मस्त है यार, ये कमेंट लाया चाचा। राम की बैटिंग, राम की बैटिंग कब आएगी? राम जी भी साबू जैसे ही दिखते हैं, थोड़े से कुपोषण। इसका भाई और ये ला रहे हैं, कोई चलाना पड़ता क्योंकि दुनिया वैसे जलती है मेरे से, क्योंकि राम जलता ना मुझसे। राम तो जलता है क्या? मैं पतला हो गया हूँ गाइस। जलता है वो जो कर रहा ना, वो करना बंद कर दे। चला जला बिल्कुल। Happy birthday to you. Happy birthday to Baba. Happy birthday to Gattu. अरे आगे निकाल। इस बाबा को बर्थडे है लेकिन गएगा तो बाबा। लखन नहीं है। मोमबत्ती भी खाने का। ये लेकिन वो कौन सी खिलाता मैं तुमको? सिनेमैटिक। ये बच्चे होती तो करे मैं। सिनेमैटिक। तू नहीं आ रहा उसमें, बाकी सब आ रही है पूरी दुनिया। ले मैं बिखरा हुआ ही था हमेशा, तुमने कभी चांस नहीं दिया मेरे को। नो फोटोज पेप्स प्लीज, नो कैमरास प्लीज।
ये लड़का इतना गंदा है। अरे भाई, अरे हो गया भाई। कुत्ता आदमी है यार। आपने पहली बार पैसे खर्च करे? नहीं आने यार। हम देसी लोग कहीं पर भी आते हैं ये ऐसे नहीं पीते। पियो वैभव कैसे पीता? टाइम नहीं लगता वैभव। लस्सी कभी भी स्ट्रॉ से नहीं पीते हम पियेंगे। और राम पीता ये गंदी चीजें। ये गंदी राम को जो चाहिए वो हम देते हैं इसको। इसको तो बहुत पसंद आया कि इसने मुझे ना गिफ्ट दिया है। एक तो बहुत अच्छा केक लेकर आया मेरे लिए, और गिफ्ट मेरे लिए सरप्राइज है, वो मेरे सीधा बर्थडे पर डायरेक्ट आएगा घर पर। आपने पैसे खर्च किए इसके? यस गाइस। नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सीन ऐसा ही है। अभी नेक्स्ट जगह जाएंगे और अभी इनका फोटो खत्म हो जाए। वैभव हमारे एक साथ में, हम फोटोग्राफर साथ में लेकर आता है क्योंकि इसका फोन ज्यादा अच्छा है हम सबसे। मेरी स्किल्स भी अच्छी हैं इनसे। नहीं स्किल्स का कुछ नहीं। चल निकल। स्किल्स में तो मैं ही आगे हूँ। क्या कह रहा? स्किल्स में तो मैं ही आगे हूँ। ध्यान नहीं देता ये राम आते हुए। चलिए जा वैभव। और अभी कहीं ये नई जगह है अजमेर में, हम अभी आज तक तो कभी आए नहीं थे। यह तो अर्बन हाट बाजार है, बट इसके पास में ही कुछ नया है। ये वैभव कह रहा है कि यहाँ चल के। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ अर्बन हाट में। तो कपड़े मिल जाते हैं अगर आप कुछ। कपड़े मिलते क्या इधर अर्बन हाट में? और क्या चाहिए तुमको? पागल है क्या, कपड़े नहीं मिलते? वो नहीं होता क्या हैंडमेड क्राफ्ट? वो हैंड क्राफ्ट सारे कपड़ों पे होता है। अच्छा वैसा ही क्या है ना। और इधर खाने पीने का मिल जाएगा। पीने के लिए वैभव लेकर नहीं आया। वैभव ने जगह बताया। वैभव भैया, वैभव यार इसका फोकस बिगड़ रहा है यार। मेरा कैमरा खराब हो गया यार। मेरे को देख के अक्सर काफ़ी लोगों का फोकस बिगड़ गया। वो राम क्या कह रहा था? बोल बोल। मेरे को देख के अक्सर काफ़ी लोगों का फोकस बिगड़ गया। गाइस अभी कहाँ आए अपन वैभव? अभी हम आए चौपाटी जो अभी अभी बनी है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, 3-4 महीने हुए हैं। अरे काफी अच्छी बनी है चौपाटी। ये वाली अच्छी है क्योंकि यहाँ साफ। यहाँ पे गार्डन मार्केट क्योंकि यहाँ बहुत अभी नहीं चौपाटी। सेकंड चीज क्या, यहाँ लोग अभी कम आए आते ना, इजीली साफ सुथरा। बाकी कपल है। मतले कीजिए ना। जगह काफी अच्छी है, काफी शांत है, घर जैसा सुकून है। जगह बहुत प्यारी है और कुछ हो ना हो, मतलब वैसा नहीं देखने के लिए नहीं, बट पीसफुल बहुत है। और यहाँ जितनी भी अशांति कोई फैला सकता है ना, वो एक ही लड़का हमारे साथ। ये हमें शांति से बैठने नहीं दे रहा इधर। हम चाह रहे हैं कि चुपचाप बैठे थोड़ी देर। बढ़िया गाना है। ये मेरे बाल नहीं हो रहे। इतना बुरा नहीं है। घटिया सी रील। जैसे हम अभी वहां खा के आए। राम जी एक ठुमका लगाओ। गाइस अभी हम सब ऊपर बैठे हुए हैं, बस ये रील व्हीलर, ये हमारे एक तो रीलर साथ में घूमता रहता है दिन भर गाने चला के। शॉर्ट वीडियो बोल। हाँ शॉर्ट वीडियो भैया, थोड़ी रिस्पेक्ट दे। यूट्यूबर भी है ना ये साथ में। देखा देख, इतना इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मैं इनको कि ये खुद भी, ये दोनों भी यूट्यूब खोल लिए। अगर किसी को म्यूजिक पसंद है हाँ तो प्लीज़ मेरा चैनल है वैभव सिंह राठौड़ के नाम से, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। श्योर आप सब सब्सक्राइब करो मेरे भाई को। अभी तो इतनी वीडियोस नहीं है डाल, बट डालता नहीं है साला पियानो। व्लॉग देख रहा है कोई लड़की अगर जानना चाहे तो मैं कम्प्लीटली सिंगल हूँ और दे आर फ्री टू अप्रोच मी एंड आई विल नॉट डिनाई, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी मैसेज। सो आई एम हद से ज्यादा सिंगल हूँ। बहुत ज्यादा सिंगल हूँ मैं। अगर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है इतने टाइम से कि तू बोल तेरे व्लॉग्स में कि मुझे कोई आगे से मैसेज करे तो देखिए गाइज, अच्छा नहीं लगता है कि मतलब जैसे। तो गाइज अगर कोई लड़की देख रही है तो प्लीज कंसिडर मी, प्लीज उसके पास चल जाओ। आप अपने दोस्तों अपनी दोस्तों को बताइए कृपया। Consider me as single. As a boyfriend. नहीं नहीं as a boyfriend नहीं, आप चाहें तो consider me. One night नहीं consider me. अभी तेरी मम्मी को भेजूंगा मैं ये। आंटी देखो ये क्या मांग कर रहा है। आंटी जल्दी ब्याह करा दो इसका।
लौंडे का, ब्याह के लिए भी आई एम ओपन। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ बिल्कुल, बाय वैभव। गाइस अभी घर आ चुका हूँ मैं, जस्ट अभी 9 बज चुके हैं, 4 केक हो चुके हैं, 4 के 4 अब तू ही खाएगी। क्या बर्थडे तेरा था, मौज मेरे हो गई। किट व्लॉगर वाला किट ऐसा कुछ लेकर गया नहीं था, माइक ना गोरिल्ला पॉड, तो आपको शायद तक माइक की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा आएगा बाहर का जितना भी था सीन, तो एक दिन के लिए बस एक एडजस्ट कर लेना। अच्छा आया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये एक जैकेट पहन रखा है, इसके नीचे एक और जैकेट पहन रखा है और नीचे फिर शर्ट पहन रखा है। मैं इतना पैक होकर गया था बाहर, मतलब आते टाइम इतना पैक होकर आना पड़ा था, इतनी ठंड पड़ने लगी है। अभी घर आते मम्मी ने बोला कि मामा मामी जी आए थे, तो मामा मामी जी ने मेरे को ये गिफ्ट प्लांट्स गिफ्ट किए रहे हैं, और आपको जैसे ध्यान होगा ही मेरे को इन चीज़ों पर आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मेरे अगर गार्डन में भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स मैंने ही लगाए हैं। चल झूठा, ऐसा मैं बोलूंगा क्योंकि ब्लॉग मेरा है तो एडिट भी मैं करूंगा, तो मेरे को तो मामा मामी जी ने मेरे को ये प्लांट गिफ्ट करा, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी करा है उसके लिए बहुत थैंक यू मामी जी। और चलो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। बच्चे बुड्ढे मेरे हांड दे कलोली ने, बच्चे बुड्ढे मेरे हांड दे कलोली ने, वेले बन दे बदमाश ए कलोनी रे, वेले बन दे।